इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 11 सीपीसी का समझेंगे। देखिए, जब हम ऑर्डर 11 पे पहुंचते हैं तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की बात करता है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से पहुंचने से पहले कोर्ट के अंदर जब एक प्लेंटिफ आता है तो अपनी प्लेंट फाइल करता है, और वो प्लेंट फाइल करने के लिए उसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। वो अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन करता है उस कॉज ऑफ एक्शन को और अपनी प्लेंट फाइल करता है, और उसके रिप्लाई के अंदर जो डिफेंडेंट होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हम एक ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर 9, जिसके अंदर बताया जाता है कि उनको अपनी अपीयरेंस देनी होती है कोर्ट के अंदर, और अगर वो अपीयर नहीं होते तो प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा या डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाएगा, क्या होगा। उसके बाद कोर्ट क्या करता है, उनकी एग्जामिनेशन करता है, जो पार्टीज होती हैं उनकी एग्जामिनेशन करता है, उनको कोर्ट में बुला के उनसे एडमिशन डिनाइल कराता है, या फिर उनसे पूछता है कि क्या आप मेडिएशन में जाना चाहते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, या उनको भेजता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बाद। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके बाद वो वापस में कोर्ट में आ जाते हैं अगर उनको रिजोल्यूशन नहीं मिलता वहाँ पे। उसके बाद उनका ओरल एग्जामिनेशन करता है कि भाई वो क्या क्या उनसे बातें पूछता है कुछ। उसके बाद जो भी मैटर इन सब्सटेंस होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है जो कोर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो कोर्ट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, कि बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं, कि बहुत सारी जो प्लेंटिव होते हैं डिफेंडेंट होता है उसके बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो अब एक ऑर्डर है 14, अब उसके अंदर क्या करता है कोर्ट, जो है इशू को फ्रेम करता है, इशूज जो है वो फ्रेम करता है। इश्यूज फ्रेम करने के लिए इशू वही फ्रेम होंगे जो इशू मेन है, जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो वो जो क्या इश्यूज हैं, क्या रेलिवेंट इश्यूज हैं, उसको पता करने के लिए हमारे पास ऑर्डर 11 से ऑर्डर 13 है, जो बात करते हैं डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में, एडमिशन के बारे में। तो अब जैसे हम अब ऑर्डर 11 के अंदर आते हैं, ऑर्डर 11 के अंदर क्या होता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी, आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कोर्ट की परमिशन लेते हैं और एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे हमारे पास एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पेपर आता है, उसका हमें आंसर देना होता है, ऐसी जो दूसरी पार्टी होती है वो एक क्वेश्चन पेपर बनाती है, और कोर्ट की परमिशन से कोर्ट को 7 डेज का टाइम मिलता है। जब वो एप्लीकेशन आती है वो 7 दिन में डिसाइड करती है कि ये इंट्रोगेटरीज अलाउ करनी है या नहीं अलाउ करनी है दूसरी पार्टी के लिए, कि उनसे वो क्वेश्चन पूछे जाएं या ना पूछे जाएं। तो वो एक क्वेश्चन पेपर टाइप में होता है, जैसे हमें स्कूल में या हमको एग्जाम देते हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही वो क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे हमें स्कूल में क्वेश्चन आते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकते, तो ऐसे ये जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आउट ऑफ केस नहीं होने चाहिए, कि इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछने से कोर्ट की हेल्प होगी और जो केस है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो कोर्ट जो है वो अलाउ कर देता है कि आप दूसरे पर्सन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, दूसरे पार्टी को दे दिया जाता है, जिसका वो रिप्लाई देती है। उसके रिप्लाई के अंदर वो जो दूसरी पार्टी है वो ये भी बोल सकती है कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये जो है ये स्कैंडलियस क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, इसको पूछने से कोई फायदा नहीं होगा या फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। तो ये इसके अंदर होता है। तो इससे अगर बेसिकली तभी अलाउ होता है जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस को पूछने के कारण से कोर्ट की हेल्प होगी। अब हम रूल्स के अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल बोलते हैं और हम समझते जाते हैं। तो सबसे पहले रूल 1, डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज, कि इन एनी सूट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बाय लीव ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की पहले हमें परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं इंट्रोगेटरीज पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता। मे डिलीवर इंट्रोगेटरीज इन राइटिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अपोजिट पार्टीज और एनी वन और मोर ऑफ सच पार्टीज, की अपोजिट पार्टीज को दे सकता हूँ, वो अपोजिट पार्टी एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। एंड सच इंट्रोगेटरीज व्हेन डिलीवर्ड शैल हैव नोट एट द फुट देयर ऑफ स्टेटिंग विच ऑफ सच इंट्रोगेटरीज ईच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर, तो उसके नीचे वो नोट दे देगा। अगर मान लीजिए आपने एक से ज्यादा पर्सन को इंट्रोगेटरीज दिया है, एक से ज्यादा पार्टीज हैं, जैसे रिस्पॉन्डेंट एक से ज्यादा हैं, आपने उनको इंट्रोगेटरीज दिए हैं, तो आप उस इंट्रोगेटरी के नोट के अंदर बताएंगे कि किस क्वेश्चन का जवाब किस वाले पर्सन को देना है, आप उसके नोट में लिखेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो पार्टी शैल डिलीवर मोर देन वन सेट ऑफ इंट्रोगेटरीज टू द सेम पार्टी विदाउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पज, कि एक से ज्यादा बारी इंट्रोगेटरीज नहीं दी जाएगी। एक से ज्यादा बारी तभी दी जाएगी अगर कोर्ट जो है उस चीज को
अलाउ करेगा, कोर्ट अलाउ करेगा तो एक से ज्यादा बारी भी दे सकते हैं. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इंट्रोगेटरीज विच डू नॉट रिलेट टू एनी मैटर्स इन क्वेश्चन इन द सूट शैल बी डीम्ड टू इररिलेवेंट. कि अगर वो रिलेटेड ही नहीं है, जो मैटर इन इशू है या फिर जो केस है उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम इररिलेवेंट मान लिया जाएगा. वो नॉट विथ स्टैंडिंग दैट दे माइट बी एडमिसिबल ऑन द ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. फिर अब आता है रूल टू, पर्टिकुलर्स इंटरोगेटरीज टू बी सबमिटेड. अब क्या कह रहा है इसके अंदर, ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटरोगेटरीज अ पर्टिकुलर इंटरोगेटरी प्रपोज टू बी डिलीवर शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट. अब ये नहीं कि सीधा आप दूसरी पार्टी को वो इंटरोगेटरीज दे दोगे, आपको पहले वो इंटरोगेटरीज क्या कोर्ट में सबमिट करनी होंगी. एंड दैट कोर्ट शैल डिसाइड विद इन 7 days फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन. अब कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर मैंने आज वो एप्लीकेशन दी है इंट्रोगेटरीज की, तो कोर्ट उसके विद इन 7 days ये डिसाइड करके बताएगा कि क्या ये इंट्रोगेटरीज दूसरी पार्टी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि कहीं ये इररिलेवेंट इंट्रोगेटरीज तो नहीं है. इन डिसाइडिंग अपॉन सच एप्लीकेशन द कोर्ट शैल टेक इन टू अकाउंट एनी ऑफर विच मे बी मेड बाई द पार्टी सॉट टू बी इंट्रोगेटेड टू डिलीवर पर्टिकुलर्स और टू मेक एडमिशन और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मैटर्स इन क्वेश्चन or any one of them, and leave shall be given as to such only of the interrogatory submitted as per the court shall consider necessary either for disposing fairly of the suit or saving cost. कि अगर court को ऐसा लगता है कि court इस case को dispose करने में help करेंगे questions, तो जो court है वो allow कर देता है. अब question आता है कि जो interrogatories की cost होगी किस पे आएगी, the cost of interrogatories in adjusting the cost of the suit inquiry shall at the instance of any party be made into the propriety of exhibiting such interrogatories, and if it is the opinion of the taxing officer of the court, either with or without application for inquiry, that such interrogatory have been exhibited unreasonably, vexatiously, or at improper length, the cost of occasion by the said interrogatory and the answer thereto shall be paid in any event by the party in fault. तो जिसका भी fault होगा, अगर किसी ने कोई questions ऐसे पूछे हैं जो vexatious थे या unreasonable थे या फिर बहुत ज़्यादा length के थे, तो जिसका fault था उसी को उसकी cost देनी होगी. फिर बताया रूल फोर के अंदर फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटरीज की, इंट्रोगेटरी शैल बी इन फॉर्म टू इन अपेंडिक्स सी विद सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टेंसेस एज मे बी रिक्वायर्ड. कि इसके पीछे सीपीसी के पीछे अपेंडिक्स दे रखा है सी, जिसके अंदर फॉर्म नंबर टू है. इस फॉर्म नंबर टू के अंदर जो है इंट्रोगेटरीज जाती हैं, और आप अपने केस के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, वेरिएशन उसके अंदर ला सकते हो, जैसे कि आपके सर्कमस्टांसिस हैं. अब आता है कि अगर दूसरी पार्टी, मान लीजिए कि अगर कॉरपोरेशन है, अगर दूसरी पार्टी कॉरपोरेशन है, तो उस केस में क्या होगा. रूल फाइव के अंदर बताया है, वेयर एनी पार्टी टू द सूट इज अ कॉरपोरेशन और अ बॉडी ऑफ कॉरपोरेट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, एम्पावर्ड बाई लॉ टू सी और बी सूट. लेकिन कोर्ट ने, वो लॉ ने एम्पावर कर रखा है कि वो किसी के ऊपर सू कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर सू हो सकता है, केस हो सकता है, whether in its own name or in the name of any officer or other person, चाहे वो उस body corporate के या उस corporation के खुद के नाम पे हो या फिर किसी officer के नाम पे हो. Any opposite party may apply for an order allowing him to deliver interrogatories to any member or officer of such corporation or bodies. तो जो person interrogatories के लिए apply कर रहा है, वो court से permission मांग सकता है, कि leave मांग सकता है, कि मैं उस जो उसका officer है उस corporation का या कोई भी मेंबर है उसको मैं इंट्रोगेटरी सप्लाई कर सकूं, और फिर कोर्ट उसी हिसाब से ऑर्डर करेगा. फिर ऑब्जेक्शंस टू इंट्रोगेटरीज बाय आंसर, कि अब जो जिस पर्सन को इंट्रोगेटरीज दी गई हैं वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं, अपने आंसर में क्या ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं. तो ये रूल 6 के अंदर बताया है, ऑर्डर 11 के, ये इंपॉर्टेंट है. एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंट्रोगेटरी ऑन ग्राउंड दैट इट इज scandalous or irrelevant or not exhibited bona fide for the purpose of the suit, or that the matter inquired into are not sufficiently material at the stage, or on the ground of privilege or any other ground may be taken in affidavit in answer. कि अब वो अपना आंसर कैसे देगा, एफिडेविट के फॉर्म में देगा, और ये बताएगा कि अगर उसको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन जो है स्कैंडिलियस है या इररिलेवेंट है या इस केस के अंदर हेल्प नहीं करेगा या फिर इस स्टेज पे पूछने का इस क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने एफिडेविट में इस बात को, आंसर को देगा, जिसको भी उस इंटरोगेटरीज का आंसर देना था. फिर आता है रूल 7, सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटरोगेटरीज. Any interrogatories may be set aside on the ground that they have been exhibited unreasonably or vexatiously, or struck out on the ground that they are prolix, oppressive, unnecessary or scandalous, and any application for this purpose may be made within 7 days after service of the interrogatories. कि अब जिसको सर्विस हुई है इंटरोगेटरीज, वो विदिन 7 days
जिस दिन उसको सर्विस है उसके 7 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के अंदर कि इसको स्ट्राइक आउट करो, ये जो इंट्रोगेटरीज है ये बेकार इंट्रोगेटरीज है, इससे कोई हेल्प नहीं होगी, ऑप्रेसिव है, स्कैंडिलियस है, विक्सेशियस है, इसको आप हटा दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वो पर्सन विद इन 7 डेज, जिस दिन उसको रिसीव हुई है इंट्रोगेटरीज उसके 7 डेज के अंदर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा देगा रूल 7 के हिसाब से। फिर एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग, इंटरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन 10 डेज और विद इन सच अदर टाइम एज द कोर्ट में अलाउ, कि अब जो भी वो आंसर देगा, जिसको इंटरोगेटरी का आंसर देना था वो एफिडेविट के फॉर्म में देगा और विद इन 10 डेज देगा, जिस दिन उसको सप्लाई हो उसके 10 डेज के अंदर अंदर उसका वो रिप्लाई देगा, या फिर उससे ज्यादा टाइम हो सकता है अगर वो टाइम जो है कोर्ट अलाउ करता है तो। फिर आता है फॉर्म ऑन ऑफ एफिडेविट इन आंसर, अब किस फॉर्म के अंदर वो आंसर करेगा, इंटरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल विद इन 10 डेज, एन एफिडेविट इन आंसर टू इंटरोगेटरी शैल बी इन फॉर्म नंबर 3 इन अपेंडिक्स टी, भेजना किस वाले फॉर्म के अंदर था 2 में, अब रिप्लाई किस वाले में करना है फॉर्म नंबर 3 में अपेंडिक्स सी के, वही जो इसके पीछे अपेंडिक्स दिया होता है, विद सच वेरिएशन एज सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर, कि सर्कमस्टांस के हिसाब से अगर आपके केस के अंदर कुछ वेरिएशन है तो आप उस हिसाब से उसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। No exception to be taken. No exception shall be taken to any affidavit in answer, but the sufficiency or otherwise of any such affidavit objected to an exception shall be determined by the court. फिर आता है rule 11. Order to answer or answer further. Where any person interrogated omits to answer, कि वो उसने उस चीज का आंसर किया ही नहीं, छूट गया उससे आंसर करना, और आंसर insufficiently या फिर जिस हिसाब से उसको आंसर करना था उस हिसाब से उसका आंसर उसने नहीं दिया। The party interrogating may supply to the court for an order requiring him to answer. तो अब जिस पार्टी ने इंटरोगेटरी इसको भेजा था, अब वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि इसको आप बोलिए कि ये जो इसने ऑमिट कर दिया जिस चीज़ का आंसर करना है, इसको ये अब आंसर दे इसका, या फिर अगर इसने इनसफिशियंटली आंसर किया है तो अब इसको आप बोलिए कि आप ये इसका आंसर सफिशियंटली दे। और टू आंसर फर्दर एज द कोर्ट मे बी एंड ऑन ऑर्डर may be made requiring him to answer or to answer further either by affidavit or by viva voice examination as a court moderator. अब court जो है दोनों चीजें कह सकता है कि court को लगता है कि भाई सही में इसने sufficiently answer नहीं दिया या फिर इसने omit कर दिया और ये चीज answer करना जरूरी थी, तो court दोनों तरीके से उसका answer ले सकता है, या तो viva voice के through ले सकता है कि मतलब court में आके ऐसी oral बोल देगा, या फिर by affidavit कि इसको दोबारा से आप इस बात का answer affidavit के अंदर ही दीजिए। फिर आता है, अब यहाँ से आता है discovery के बारे में। अब यहाँ पे हमारे एक तरीके से इंटरोगेटरीज खत्म हो गया, अब यहाँ से रूल 12 शुरू होता है जिसके अंदर डिस्कवरी के बारे में आता है। एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी पार्टी में विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट, अब यहाँ पे आपको एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पार्टी बिना एफिडेविट के अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एनी अदर पार्टी टू एनी सूट टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर हैव बीन इन हिज पोजीशन और पावर रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन देयरिन, कि वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा बिना एफिडेविट के लगाएगा कि ये जो दूसरी पार्टी है इसके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो इस केस के लिए जरूरी है, आप इसको बोलिए कि ये इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रोड्यूस करें। ऑन द सेटिस्फाई दैट सच डिस्कवरी इज नॉट नेसेसरी or not necessary at the stage of this suit or make such order either generally or limited or certain classes of document as may be in direction be thought fit, कि अगर लगता है कोर्ट को कि ये इस स्टेज पे इन डॉक्यूमेंट्स को लेना सही नहीं है या फिर ये डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा। provided that discovery shall not be ordered when and so forth that the court shall be opinion that it is not necessary either for disposing fairly the suit for saving cost, वही बात बता दी। फिर बता रहा है affidavit of documents, the affidavit to be made by party against whom such order is as is mentioned in the last preceding rule has been made shall specify which of the document therein mentioned he objects to produce, अब ये application तो आपको affidavit के form में नहीं देनी थी, अगर कोई document produce करने की application देनी थी वो affidavit के form में नहीं देनी थी, लेकिन अब जो इसका reply होगा वो affidavit के form में होगा और उसके अंदर वो बोला जाएगा कि अगर जो बंदे को बोला गया कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए, वो उसके रिप्लाई के अंदर अपने आंसर के अंदर अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जो है एफिडेविट के फॉर्म में देगा और उसका फॉर्मेट जो है फॉर्म नंबर 5 इन अपेंडिक्स सी के अंदर दे रखा है कि इस ऑब्जेक्शन के कारण जो है मैं इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन बाय
party by any party thereto upon oath of such of the document in his possession or power relating to any matter in question in such suit as the court shall think right, and the court may deal with such document when produced in such manner as shall appear just. See, court किसी भी level के ऊपर, किसी भी stage के ऊपर, किसी भी party को order कर सकती है कोई भी document produce करने के लिए, और rule 14 के हिसाब से, order 11 rule 14 के हिसाब से court किसी भी party को किसी भी stage के ऊपर कोई भी document produce करने के लिए order कर सकती है, और उसका use जैसा court को ठीक लगता है वैसा वो करेगी. फिर आगे रूल 15, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन प्लीडिंग्स और एफिडेविट्स. अब कुछ आपने जो अपनी जब प्लीडिंग जब फाइल की होगी या एफिडेविट फाइल किया होगा उसके अंदर आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट जो है वो मेंशन किए होंगे, तो उसके बारे में बता रहा है. एवरी पार्टी टू द सूट शैल बी एंटाइटल्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू. इशू सेटलमेंट होने से पहले, अगर इशू सेटल हो गए तो उसके बाद नहीं, इशू के सेटलमेंट होने से पहले, टू गिव नोटिस टू एनी अदर पार्टी इन हूज प्लीडिंग और एफिडेविट रेफरेंस इज मेड इन एनी डॉक्यूमेंट. कि कोई भी उसने बोला था कि ये डॉक्यूमेंट से आपने एफिडेविट के अंदर या प्लीडिंग के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया था, ऑन हू हैज एंटर्ड एनी डॉक्यूमेंट इन एनी लिस्ट नेक्स्ट टू हिज प्लीडिंग टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ पार्टी गिविंग सच नोटिस. कि आप इस डॉक्यूमेंट, आप मेंशन कर रहे हो डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कीजिए और ऑफ हिज प्लीडर एंड टू परमिट हिम और देम टू टेक कॉपीज देयर ऑफ, और वो कहेगा कि मुझे इस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी चाहिए. And any party not complying with such notice shall not afterward be at liberty to put any such document in evidence on his behalf in such suit unless he shall satisfy the court that such document relate only to his own title. He is being a defendant to the suit. अगर वो इन documents को produce नहीं करता, तो वो बाद में किसी और stage के ऊपर उन documents को produce नहीं कर सकता. वो तभी produce करता कर सकता अगर वो court को satisfy कर दे कि ये document जो थे मेरे को उस stage के ऊपर दिखाना जरूरी नहीं था और मैं इन documents के लिए entitled था और ये documents मेरे को वहाँ पे show करना जरूरी नहीं था. अगर court इस बात से satisfy हो सकता है तो बाद में उन documents को लेके आ सकता है. फिर आते हैं हमारे पास rule 16, notice to produce. Notice to any party to produce any documents referred in his pleading or affidavit shall be in form number 7. तो ये जो नोटिस भेजेंगे कि आप भी अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कीजिए जो उसने अपने एफिडेविट या प्लीडिंग के अंदर बोले थे, जो रेफर किए थे, तो उसका जो नोटिस है वो रूल 16 के हिसाब से भेजा जाएगा. रूल 16 के अंदर बताया गया कि जो नोटिस भेजा जाएगा उसका फॉर्मेट जो है फॉर्म नंबर 7 ऑफ अपेंडिक्स सी के अंदर दिया गया है. फिर आता है रूल 17, टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन. The party to whom such notice is given shall within 10 days from receipt of such notice deliver to the party giving the same notice standing time within 3 days from the delivery thereof at which the sir. कि उसको 10 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट के अंदर. फिर आता है ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन रूल 18 के हिसाब से. वेयर द पार्टी सर्व विद नोटिस अंडर रूल 15 ओमिट्स टू गिव सच नोटिस. कि अगर जिसको रूल 15 के हिसाब से जो इंस्पेक्शन के लिए बोला गया था जिन डॉक्यूमेंट्स के, अगर वो ओमिट कर देता है उस नोटिस को देने के लिए, फॉर टाइम फॉर इंस्पेक्शन ऑब्जेक्ट टू गिव इंस्पेक्शन और ऑफर्स इंस्पेक्शन एल्सवेयर, देन एट द ऑफिस ऑफ हिज प्लीडर द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी डिजायरिंग इट मेक एन ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन इन सच प्लेस एंड इन सच मैनर एज मे डीम थिंक फिट. कि कोर्ट को अगर ऐसा ठीक लगता है कि किसी जगह पे उसका इंस्पेक्शन जो अलाउ कर देना चाहिए प्लीडर के ऑफिस में कहीं और पे, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगा अगर उसने सेक्शन 15 के हिसाब से नोटिस नहीं दे रखा था इंस्पेक्शन का. Any application to inspect documents except such as referred to in the pleading particulars or affidavit of any party against whom the application is made or disclosed in the affidavit or produced shall be that party applying. ये rule 18 हो गया. फिर आता है rule 19, verified copies. Verified copies के अंदर बताया है जहाँ पे where the inspection of any business books is applied for. कि जहाँ पे आपने application लगाई थी कि मुझे इसकी जो business books है इनको inspect करना है, लेकिन court को लगता है कि business बुक्स को इंस्पेक्ट करना ठीक नहीं है, उसकी जगह पे हम ऐसा करते हैं कि आप इसकी कॉपी ले लीजिए. इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द ओरिजिनल बुक्स ऑर्डर अ कॉपी ऑफ एन एंट्रीज देयर इन टू बी फर्निश्ड एंड वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट टू सम पर्सन हैज एग्जामिन्ड द कॉपी विद ओरिजिनल एंट्रीज. की किसी और पर्सन ने उसको एग्जामिन कर रखा था और उसको विद एफिडेविट जो है उसकी कॉपीज जो है कोर्ट में सप्लाई कर देगा. उसके बाद आता है रूल 20, प्रीमेच्योर डिस्कवरी के अंदर बताया गया कि अगर आपने Where the party from discovery of any kind of inspection is sought to be object to the same or any party thereof, the court may, if satisfied that the right to discovery of inspection sought to be depend on determination of any issue or in question in dispute in the suit. कि पहले आपको अगर ये question solve होगा तभी आपको inspection करने को मिलेगी. तो ये premature discovery होती है कि अगर ये issue है तभी आपको inspection मिलेगी, तो वो check करना पड़ेगा कि वो issue है या नहीं है.
in the suit should be determined before deciding upon the right of discovery or inspection order that such issue or question be determined first and reserve the question for the discovery or inspection. कि पहले आप उसको solve कीजिए, उसके बाद आपको discovery का वो inspection का जो है right मिलेगा. Non-compliance with order for discovery, where any party fails to comply with any order to answer interrogatory or for discovery or inspection of document, he shall, if plenty, be liable to have his suit dismissed for want of prosecution, and if defendant, to have his defence, if any, struck out and to be placed in the same position if had not been defended. कि अगर कोई non-compliance करता है उसका, तो 21 के हिसाब से जो case है वो क्या हो सकता है? Dismissing हो सकता है. Case जो है वो डिसमिस हो सकता है. अगर जो जैसे अगर प्लेंटिफ नहीं अपने उसने अगर डिफेंडेंट ने कोई इंटरोगेटरीज दी उसका आंसर प्लेंटिफ ने नहीं दिया सही सही तो ये बेस बन जाता है केस को डिसमिस होने का. डिफेंडेंट नहीं दिया टू हैव डिसमिस वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इफ डिफेंडेंट टू हैव हिज डिफेंस इफ एनी स्ट्रक आउट एंड हैड प्लेस इन द सेम पोजिशन इफ हैड नॉट डिफेंडेड और उसको सेम अगर डिफेंडेंट के बातों का जवाब डिफेंडेंट ने नहीं दिया तो उसको सेम प्लेस पर रख दिया जाए वो पहले जहाँ पे था. बस ये हमारे हो गए ऑर्डर 21 तक और रूल 21 तक. फिर यूजिंग आंसर टू इंटरोगेटरी या ट्रायल की आप इनको यूज कर सकते हो जो भी आपने इंटरोगेटरीज के ऊपर सवाल पूछे थे ट्रायल के अंदर. फिर ऑर्डर अप्लाई टू माइनर्स की ये ऑर्डर जो है माइनर्स पे भी अप्लाई होता है. दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू माइनर्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंड टू द नेक्स्ट फ्रेंड एंड गार्डियंस फॉर द सूट ऑफ द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी. तो ये उन पे भी अप्लाई हो जाता है. तो ये हमारा रूल ऑर्डर 11 हो गया सीपीसी का. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 12 देख लेंगे.